पर्यावरण दिवस की आप सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छी जगह है, हिमाचल क्या पहाड़ी जो भी है ना, पहाड़ी जहाँ पे पहाड़ी जगह है वो सारी ही अच्छी हैं। तो हमारा ये भी एक काम रहता है, इसको हम शाड़े उठाना बोलते हैं, एप्रिकॉट्स जो खुद से छूट जाते हैं उनको इस तरह से उठाते हैं, इसके जो है हम सीड्स डिल्ली बोलते हैं, हम कोटगढ़ी लैंग्वेज में उनको कलेक्ट करते हैं। और फिर इसी के साथ ही मतलब कि जो हम पेड़ों से डायरेक्ट निकालते हैं उसकी जो है बोइयां बनाते हैं, वो सुखाते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस तरह से उनको जो है करते हैं। तो साथ साथ में यहाँ हो रही है मिर्च के पौधों में गुड़ाई, इस वाले खेत में ज़्यादातर जो है मिर्चें ही लगती हैं और साल भर के लिए ना अपनी ही मिर्चें होती हैं हमारी। और इस तरह से मैंने ये काफ़ी सारे उठा के कलेक्ट कर दिए हैं, वेस्ट होने से अच्छा है कि कलेक्ट करके इसकी गुटियाँ निकाल दे। गुटियों का जो तेल होता है ना वो काफ़ी महंगा बिकता है मार्केट में, डिल्ली तेल बोला थल है। तो ये है हमारे पलम, पलम जो है हमने नहीं भेजे क्योंकि इसमें जो है ओला आ गया था और उसकी वजह से इसमें काफ़ी जो है दाग पड़ गए थे, काफ़ी सारे पेड़ है यहाँ पे, तो हमने ये छोड़ दिए हैं। चलिए इतने सारे शाड़े मैंने कलेक्ट कर दिए हैं, इससे जो है अब कुटियाँ डिलियाँ जो है मम्मी निकालेंगे, बाद में मैं जो है और काम करूँगी। और सामने का व्यू है कुछ ऐसा, मेरे बाहर के जो सब्सक्राइबर है देखना काफ़ी अच्छा लगता है। तो पर्यावरण तो चारों तरफ बड़ा अच्छा है, हरियाली है, अच्छा लगता है आजकल खेतों में जो है रौनक ही रौनक है। तो यहाँ देखिए पलम कितने सारे हैं, इसका ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब जैम बनाऊँगी, तो पक्का ही इसका जैम सबसे अच्छा होता है सब फ्रूट्स में से। और ये देखिए यहाँ रख दिए हैं मैंने ये सब कुछ, ये हैं वो बोइयाँ जो मम्मी ने बनाई है इसकी, जो हम ताज़े लाते हैं, उठा के नहीं करते हैं इसके लिए, और इसको धूप में सुखाते हैं और काफ़ी अच्छा साइज़ का ये बन जाता है, ये इस तरह से यहाँ भी सुखाए हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग, मैं भी ठीक हूँ, रौनक भी ठीक है। और यहाँ रख रही हूँ जो मैं निकाल के लाई हूँ ना वो वाले, क्योंकि रौनक भी खाएगा और ये मीठे हैं अच्छे खाने को, यहाँ रख रही हूँ, थोड़ी देर बाद दे दूँगी खाना खाने के बाद, अगर बिना खाना खाएगा ना तो पेट में दर्द हो जाएगी इससे। और आजकल ना ऐसे ही चलता है, डेली डेली जाते हैं उठाते हैं, फिर गुटियाँ जो है कलेक्ट करते हैं, इसका तेल भी निकलता है, तेल तो हम लोग नहीं निकालते हैं, हम जो है चटनी के लिए ही रखते हैं। इसकी चटनी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरी फेवरेट है, तो दिल्ली की चटनी बोलते हैं हम। और उसमें ना मैं घी डालती हूँ, और दिल्ली की चटनी में घी विद फुलका और पुदीना डालेंगे तो फिर दाल चावल के साथ खाते हैं, लेकिन मैं आज दिल्ली की सिंपल चटनी उसमें जो है प्याज डालूँगी और उसके साथ जो है फिर फुलका खाऊँगी। और तबीयत मेरी बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मेरे ना कान में दर्द हो रही है, किया है मैंने पीछे चाचा जी को कॉल की है एक नीचे ढल्ली में, पहले भी मैंने वहीं से ही अपने कान का ट्रीटमेंट करवाया था। शिल्पा का आईलाइनर, तो शिल्पा को आईलाइनर चाहिए होगा, वो यही भूला था उस दिन का, जो मेरे डेली व्यूवर्स है ना उनको पता है। रौनक को भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने, खिला दी। मैं इतनी दर्द हो रही है ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, मैं सुबह से सोई हुई हूँ। और रौनक का पीछे देखो साइंस प्रोजेक्ट है अभी, वो भी देखना है, मुझे नहीं पता क्या है पर थोड़ा ध्यान रखूँगी। और मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही है खड़े रहने की भी, और मैंने ऑयलिंग की थी, सोच रही थी बाल धोऊंगी पर पता नहीं धो पाऊंगी। बहुत ही प्यारे प्यारे सजेशन दिए थे कान दर्द के लिए और मैंने वही किया, और अच्छा लगा मुझे वो दवाई, फटाफट से वो डाल दिया, एक डेढ़ घंटा रेस्ट किया और फिर अब नहाई, थोड़ी फ्रेश हो गई और यहाँ पानी जोड़ दिया। ये देखो यहाँ पे जो मिर्च के पौधे हैं ना उनमें पानी डालूँगी, तो सोचा आपके साथ पानी डालते डालते बात कर लूँ। कुछ टेक चैनल वाले बता रहे हैं कि कुछ क्लिक बैक का चला हुआ है, जिसका जितना अच्छा तकड़ा वाला क्लिक बैक होगा उसकी वीडियो जो है उतनी ही चलेगी, रिकमेंडेड नहीं कर रही है जो है YouTube, खुद से नहीं भेज रहा है, तो थोड़ा सा इस वजह से मेरे चैनल पे प्रॉब्लम आ रही है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो भी है जितना भी है सही है। बाल जो मेरे हैं अब सूख जाएंगे, 6 बजे हैं और शाम के टाइम हम पानी डालते हैं ऐसे, अभी मुझे यहाँ पे लगभग आधा घंटा लग जाएगा इस तरह से पानी डालने में, तो मिर्चें ही मिर्चें लगी होती है इधर से, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हमारा काम है वीडियोस बनाने का और जो लोग देखते हैं वो देखते हैं। और
आंखें देखो मेरी रेड हो गई है, इतनी दर्द हो रही थी मुझे। चलिए क्या कर सकते हैं, दर्द तो सहन करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है। यहाँ से जाके जो है मैं खाना बनाऊंगी। चलिए फिर अब किचन में मिलूंगी आपसे। यहाँ पे मिट्टी आ गई है, पानी अच्छा है यहाँ पे। और डैडी ना पीछे हैं गए हुए इस टाइम, वहाँ पे डालते हैं। और बहुत से लोग मुझे ना हस्बैंड के लिए पूछते हैं कि हस्बैंड को वीडियो में लाएं, तो जब वो वीडियो में आते थे मैं उनको ले आती थी, अब जब नहीं आते हैं तो मैं नहीं ले सकती हूँ। ज़बरदस्ती हम कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि काम मेरा है। बाकी जो है मुझे मायके भी जाना था, जैसे मैं आप लोगों के साथ बोलती ही आ रही हूँ। पहले जो है कोरोना की वजह से नहीं जा पाई, हो जाता है ना। और फिर डेली डेली जैसे व्लॉग्स वगैरह का भी रहता ही है। ओहो हो हो हो, इसमें नहीं लगनी चाहिए ये, इसमें नहीं लगनी चाहिए ये, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए फिर अब एक हाथ में दर्द हो गई है, बाद में करती हूँ अब आपसे। बन रही है दाल, उसके लिए मैंने पीसे हैं यहाँ पे मसाले और सिंपल सा तड़का लगा है, जैसे भी लगता ही है। तो चलिए ये मैंने ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, चलिए बाहर चलते हैं। आज थोड़ा सा गार्डनिंग का भी देखती हूँ, क्योंकि मेरे जो फूल है ना उसमें बहुत सारे वो जो है वो खरपतवार जिसको बोलते हैं वेस्टेज आ गई है। बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे मिंट भी है, बहुत ही ज़्यादा घास ग्रो हो जाती है इसमें। और मुझे जो है प्लांट्स का थोड़ा बहुत शौक है, ज़्यादा है मतलब कि, पर ज़्यादा यहाँ ग्रो नहीं किए हैं, देखूंगी अब करूँगी। और ये वाला तो इतना अच्छा था ना, बीच बीच में ख़राब हो रहा है और ये एकदम से फैल जाता है। यहाँ देखो ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा सा। ये कौन सा है नया जैसा इसमें लगा हुआ, पता नहीं है शायद ये भी कोई। चलिए ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े जैसे करने हैं। और यहाँ पे जो है टमाटर के पौधे भी लगे हैं, ये देखिए हमारे प्यारे प्यारे टमाटर के पौधे। और सब जगह ये फूल लगाए हैं, इधर इसमें भी लगा दिया है, इससे तो मैं निकाल ही दूंगी। ये सब जगह लगाए हैं, और इसके साथ ये भी निकल आया है। ये वाला मैं कहीं दूसरी जगह लगा दूंगी। और उसका क्या करोगे अब आप? ये मेरा फेवरेट प्लांट है, इसको मैं दूसरे, आपका फेवरेट है क्या? हाँ ये मेरा फेवरेट है, इसको मैं पीछे लगा दूंगी, पीछे इसको तो मैं कहीं इधर लगा दूंगी नीचे। हाँ यहाँ पर जैसे मैंने कहीं वो प्लांट भी किया था, वो टोमेटो, टोमेटो दे रहा है। कान में मेरे जो है अभी भी दर्द है, बहुत ज्यादा है, लेकिन घर का काम जो है थोड़ा थोड़ा करना ही पड़ता है। दाल चावल वहां पे बन रहा है, ये जो उसके प्रोजेक्ट के बर्तन है अब मैं ये धोऊंगी। और बाहर मौसम अच्छा है, ये इसीलिए पहनी है क्योंकि मुझे ना कान की वजह से हल्का हल्का सा बुखार आ रहा है ना, फटाफट से ये बर्तन। बन रही है शाम की चाय, क्योंकि जो है डैडी जी पीछे से आ चुके हैं। और चाय में मैं डालती हूँ हमेशा ही सौंफ, मीठी सौंफ, मतलब कि गर्मियों में। और शाम के 7 बजे हमारे घर में ऐसा ही होता है, रौनक। और रौनक के दादू दादी जो है साईं बाबा देखते हैं, साथ में पीते हैं डैडी जी चाय। यहाँ
और मैं खा रही हूँ यहाँ पे साड़े, ये वाले साड़े जो है एक्स्ट्रा मम्मी ने और लेके आए थे, और ये बहुत अच्छे हैं मीठे, तो मैं खाती ही रहती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है साड़े खाने से, क्योंकि जो है पेट में दर्द हो जाती है, तो मुझे जो है सीजनली फ्रूट खाना अच्छा लगता है। रौनक, मेरे को तो आज पता लगा कि आप साईं बाबा नहीं देखते, आप गेम खेलते हो। साईं बाबा देखते बार चल देखने दे, बस चुप हो जाओ। ये टाइम है यहाँ पे साईं बाबा देखने का, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी देखती हूँ, पर मैं बीच बीच में किचन आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे राइस लगे हैं। अब मैं करती हूँ अपने राइस बंद, राइस करती हूँ बंद, और खुद देखती हूँ साईं बाबा। थोड़ा सा दर्द अभी शांत हुई है, कान में अभी काफ़ी आराम जैसा तो है, लेकिन मुझे डॉक्टर को ये दिखाना ही पड़ेगा, और मुझे जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। चलिए फिर अंदर चलती हूँ, इगड़ी साईं बाबा देखती हूँ, फिर रेस्ट करूँगी, मिलूँगी एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।